के सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो। वंदे मातरम। नमस्कार, जोहार दोस्तों, बस्तर वासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसी जगह जो आपको इतिहास में ले जाएगी और साथ में इतिहास के उन पन्नों को खोलेगी जिन्हें पूरी तरह भुला दिया गया है, पूरी तरह विस्मृत कर दिया गया है। मैं आपको ले चल रहा हूँ ऐसी जगह जो कि पूरी तरह से भारतीय इतिहास में कहीं भी जिसका उल्लेख नहीं मिलता। जी हाँ, मैं आपको ले चल रहा हूँ रावरखेड़ी। आप नक्शे में भी खोजेंगे तो बड़ी मुश्किल से ग्राम मिलेगा, लेकिन रावरखेड़ी की मान्यता जो है हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे एक ऐसे महान मराठा शासक और जनरल की समाधि है जिसे पूरी तरह इतिहास ने भुला दिया। जी हाँ, एक ऐसे शासक की समाधि है जिसने मराठा घोड़ों को नर्मदा पार का पानी पिलाया था, जिसने हिंदू सूर्य को अटक से कटक तक उदय कराया था। मैं ऐसे शासक की बात कर रहा हूँ जो कि मराठा साम्राज्य का सबसे ज़्यादा सफल सेनानायक था, जिसकी यशोगान जो है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय करता है और जिसके बारे में अब अलग अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है अमेरिकी डिफेंस विभाग के द्वारा, जिसके बारे में विश्व के सबसे महान जनरल मॉन्टगोमरी पुस्तक लिखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान मराठा शासक बाजीराव प्रथम, बाजीराव बल्लाल भट्ट की, जिनकी समाधि यहाँ रावरखेड़ी में है। और रावरखेड़ी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है खरगोन जिले का, जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अब मैं आपको यहीं ले चल रहा हूँ, मैं बताऊँगा कि ये कहाँ पे है और इसका क्या महत्व है। मेरी इस अतीत की यात्रा, आत्मगौरव की यात्रा, इतिहास की यात्रा, इसका प्रारंभ होता है दुर्ग नगर से। दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ का एक नगर है और यहाँ से हम महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ खरगोन जिले में यह रावरखेड़ी नामक स्थल है, एक ग्राम है जहाँ पे महान पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है। हम उसका दर्शन करने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हैं लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, बाजीराव प्रथम के बारे में अगर मैं कोई तथ्य इस वीडियो में भूल जाता हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी भी जानकारी उससे बढ़ेगी उनके बारे में। और ये जो बाजीराव प्रथम के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एक ऐसे महान नायक थे, ऐसे वीर योद्धा थे जिन्हें इतिहास में पूरी तरह भुला दिया गया। अब भुलाया नहीं गया, जानबूझ के भुलाया गया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जानबूझ के भुलाया गया है। तो उसी जानकारी को, उसी इतिहास को, उसी गौरव को याद करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं और विशेष अवसर भी है इसलिए भी जा रहे हैं। तो चलिए, मेरे साथ सब कुछ बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए और देखते जाइए मेरी इस वीडियो को जो कि रावरखेड़ी तीर्थ ले जाएगी। साथ में पूरी सीरीज़ है और पूरी सीरीज़ ओंकारेश्वर दर्शन के ऊपर भी है, तो सब कुछ दिखाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रावरखेड़ी की इस यात्रा में हम महाराष्ट्र राज्य में हैं और क्योंकि सड़कों का निर्माण हो रहा है इसलिए जगह जगह सड़कें उबड़ खाबड़ हैं। हम भंडारा नगर को पार कर रहे हैं और सड़कें जगह जगह बन रही हैं इसलिए कहीं पे 4 लेन सड़क आती है तो काफ़ी सुंदर चौड़ी सड़क मिल जाती है और फिर से अचानक से सकरी सड़क आ जाती है जो कि हमारी रफ्तार को भी कम कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें पहुँचते पहुँचते रावरखेड़ी रात्रि हो जाएगी, रात्रि हम लोग 8-9 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। देखते हैं जल्दी जल्दी कितना समय पहुँच जाते हैं। तो आगे चलते हैं और खूबसूरत सड़कों का आनंद लेते हुए चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में नागपुर से बैतूल की तरफ और भोपाल की तरफ जाती हुई ये सड़क महामार्ग है। बहुत सुंदर घाट के बीच से हमारी कार जा रही है। गर्मी में घाटी पूरी सूख चुकी है, बरसात के समय में मुझे अंदाज होता है कि इस सड़क से जाने का आनंद ही अलग होगा। चारों तरफ हरियाली रहेगी, ट्रक बड़े बड़े परिवहन करते हुए। सामने काफी सुंदर दृश्य दिख रहा है पहाड़ियों का
और नीचे एक छोटा सा गांव है, ऐसे नहीं दिखेगा, जूम करता हूँ तब दिखेगा। देखिए किस तरह सुंदरता से पहाड़ को काट कर बनाया गया है सड़क को, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया है, उस फोर लेन को बनाया गया है। यह मुल्ताई के आसपास पहुंच रहे हैं जो कि बैतूल जिले में पड़ता है, अभी हम मध्य प्रदेश राज्य में हैं, और देखते हैं आगे कितने दूर तक खूबसूरत हाईवे साथ में चलता है। यह जो राजमार्ग है यह श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच उत्तर दक्षिण राजमार्ग का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बैतूल की ओर। दोस्तों अभी हम कश्मीर से कन्याकुमारी वाले पथ पे हैं जो कि उत्तर दक्षिण महामार्ग कहलाता है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके हम बैतूल से खंडवा वाले मार्ग की ओर मुड़ेंगे जो कि सिंगल लेन है और मध्य प्रदेश का प्योर आदिवासी बेल्ट है, काफ़ी आदिवासी जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। सामने जो देख रहे हैं पता नहीं, पहले तो मुझे गड़बड़ लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं ये लोग, इनका कोई पर्व चल रहा है उसमें ऐसे टाइप की भूमिका निभाई जाती है। और मुझे पूरी तरह से बस्तर याद आ गया क्योंकि हमारे बस्तर में भी ऐसे ही अलग अलग आदिवासी समुदाय अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करते हैं जो कि अद्भुत होती हैं। तो हर क्षेत्र की एक लोक संस्कृति होती है और उसके एक निर्वहन का तरीका भी होता है, वही हो रहा था। देखिए सुंदर सुंदर जंगल पूरी तरह से बस्तर की का एहसास दिला रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बस्तर में ही हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम बस्तर से लगभग 700 किलोमीटर दूर हैं। काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है, बड़े बड़े पहाड़ हैं और लगभग सड़कें पहाड़ों के ऊपर बनी हुई हैं, पहाड़ नहीं ये पठार कहा जाएगा, काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है। और यही क्षेत्र जो है मराठों के लिए और उनकी सेनाओं के लिए काफ़ी रसद और छुपने के लिए अच्छा एक उपलब्ध कराते थे स्थान, और गुरिल्ला युद्ध के लिए एक बहुत श्रेष्ठ स्थान कहलाते थे ये सब क्षेत्र, इसलिए ज़्यादातर युद्ध मराठों के इन्हीं क्षेत्रों में हुए हैं। सामने जो दिख रहा है कोई ग्रामीण बाजार है, अभी जो है हम किसी डैम के आसपास पहुंचे हैं और ये किसी डैम का बैकवाटर है, काफ़ी बड़ा एरिया है और खूबसूरत भी लग रहा है। तो दोस्तों बता दूं कि हम जो जा रहे हैं रावरखेड़ी पेशवा बाजीराव का समाधि स्थल है, उसी स्थान पे उन्होंने अपना देह त्याग किया था, उनका देहांत हुआ था जब एक मालवा के अभियान पे थे, और नर्मदा नदी किनारे सुरम्य तट है, वहाँ पे हमें जाना है, और जाते जाते हमें रात हो जाएगी क्योंकि अभी धुंधलका होने लग गया है। अब मैं आपको मिलता हूँ रावरखेड़ी पहुँच कर, फिर आपसे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, रावरखेड़ी के बारे में भी और विस्तृत जानकारी दूंगा और दिखाता हूँ आपको रावरखेड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने श्रीमंत पेशवा जी की समाधि है और यहाँ पे हम पहुँच गए, और सामने जो देख रहे हैं उनका जीवन वृत्त संक्षिप्त रूप में बताया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब चलिए अंदर की ओर चलते हैं। अब जो देख रहे हैं हम सामने की तरफ जो वहाँ पे जो है बजरंगबली हैं, और बजरंगबली के दर्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की ओर का हिस्सा। पीछे की ओर आप देखेंगे कि नर्मदा नदी का सुरम्य तट है, इतना अद्भुत दृश्य है ये आपको जो आपको कैमरे के द्वारा जो दिख रहा होगा उससे ज़्यादा अच्छा कि आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत सुरम्य तट है। और इसे देख के मैं अब आपको इमारत के अंदर की ओर ले जाता हूँ। जो इमारत है 1720 से 1740 के बीच स्वयं श्रीमंत पेशवा बाजीराव के द्वारा बनाई गई थी, और क्योंकि बाद में उनका देहांत भी इसी स्थान पर हुआ तो उनकी छतरी भी महाजी सिंधिया, संभवतः महाजी सिंधिया द्वारा स्थापित की गई थी। अंदर चलते हैं, अंदर देख रहे हैं अलग अलग जो मेहराबे बनी हैं, तो ये जिस तरफ से हम आए हैं उसके अपोजिट साइड की जो मेहराबे हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित थी, क्योंकि जो लाओ लश्कर इनका चलता था राजाओं का तो उसमें कई सारी महिलाएं भी रहती थी तो उनके लिए अलग आरक्षित था, वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। शेष इमारत में पुरुष ठहर सकते थे, अस्थायी निवास था, एक तरह से आप मान लें कि एक विश्राम गृह के रूप में था। ये मेहराबे कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई हैं, सब एक के बाद एक जैसी लग रही हैं। और सामने अब मैं आपको दिखाता हूँ छतरी है ये पेशवा बाजीराव की, और यहीं पे उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके अस्थियों का कुछ हिस्सा यहीं पे गाड़ा गया है, उसके ऊपर इस समाधि का निर्माण हुआ है।
कल 26 अप्रैल को हम निकले थे, आज 27 अप्रैल है, हम यहाँ पे हैं। और कल 28 अप्रैल जो है पेशवा बाजीराव प्रथम की पुण्यतिथि है। प्रतिवर्ष पेशवा बाजीराव स्मृति जो समिति है वो यहाँ पे उनके पुण्यतिथि में उनका स्मरण करती है और उसी अवसर पर हम भी यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रतिवर्ष आयोजन होता है और हम लोग भी इस वर्ष सम्मिलित हो रहे हैं। दोस्तों अब हैं इस समय हम महान पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि, जिसे छतरी कहते हैं, वहाँ पे ये सामने जो दिख रहा है महान पेशवा बाजीराव जी की समाधि है। और इस चारों तरफ उनके समाधि के चारों तरफ जो निर्माण किया गया है अस्थाई किले के सदृश वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दृश्य ये देखिए सामने से, ये छोटी छोटी खिड़की जो बनी है उसके बहुत सुंदर दृश्य है। सामने नर्मदा नदी बह रही हैं और नावें रखी हुई हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य है। ऐसा कहा जाता है कि जो उस पार दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, उस पार पेशवा बाजीराव ने अपना लाओ लश्कर 1,00,000 सैनिकों के साथ डाला हुआ था और वो सैनिक अभ्यास पे थे, कोई सैन्य अभियान करके आ रहे थे, वापसी में थे और नदी पार करके इस तरफ आए। क्योंकि ये मालवा पेशवा की जागीर भी कही जाती है जो कि मराठा सम्राट द्वारा उन्हें दी गई थी, तो इस जागीर में ही वो ज़्यादातर अपने सैन्य अभ्यास करते थे, उनकी सेनाएं यहाँ पड़ाव डालती थी और नदी के इस पार आए और लू लगने से या कुछ गंभीर बीमारी से जो गर्मी के कालखंड में होती है उससे उनका देहावसान हुआ था इसी पवित्र भूमि पर। दृश्य बहुत ही मनोरम है, सामने नर्मदा नदी है, वो देखिए दूर दूर तक नदी, और ये जो छतरी है यहाँ पे मैं बैठा हूँ, आप घंटों अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, बहुत ही शांति, अद्भुत शांति है। चिड़ियों पक्षियों का कलरव है, दूर में बगुले उड़ते हुए दिख रहे हैं और गांव वाले जो नित्य कर्म करते हैं वो करते हुए दिख रहे हैं। सुबह का समय है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, सुंदर ध्वनि भी है। समाधि जब देख रहे हैं ना, इस समाधि का निर्माण सिंधिया परिवार ने किया सिर्फ समाधि का ही, इस समाधि का निर्माण जो है ना सिंधिया परिवार ये किला बना पूरा जो है ये पेशवा सब कुछ बना उनके रहने के लिए। जब उसी दौरान जब वहाँ से पुणे से अंतिम यात्रा जो उनकी हुई थी पुणे से लेकर यहाँ के लिए और यहीं पर आकर रात में रुके थे, रात में यहाँ पे आकर रुके थे और आने के गर्मी का सीजन था उस पीरियड में, अप्रैल का महीना था, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है बाहर में, गर्मी के कारण क्या कि एकदम से हीट में आए थे और आते हैं नर्मदा जी में जाकर स्नान करते हैं और नर्मदा जी का पानी का चीज़ कंडीशन ये रहता है कि किसी भी समय आप आए, सर्दी हो गर्मी बरसात हो, हर समय ठंडा पानी मिलेगा आपको। हाँ पानी तो ठंडा, हर समय ठंडा मिलेगा किसी भी चीज़। ये नदी के उस पर कौन सा बॉर्डर बोले आप, क्या चालू हो जाता है बताने तुम। हाँ तो जैसे पेशवा साहब आए और आते ही गर्मी में एकदम से जाकर नदी में स्नान किया, स्नान करने से क्या होगा उनको सर्द गर्मी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको हम लोग दिमागी बुखार कहते हैं, दिमागी बुखार हो गया। और दिमागी बुखार होने कारण से क्या उस पीरियड में आज के मतलब 300 साल लगभग 300 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, पौने 300 वर्ष की, यहाँ पर पूरा बस्ती नहीं था कहीं आसपास में, पूरा फॉरेस्ट था, जंगल था, तो जंगलों के बीच में बस्ती नहीं होने कारण कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको, तो स्पेशल यहाँ से सैनिक फिर गए पूना से भैरवी को लेकर आए और इस पीरियड में उनको 3-4 दिन का सफर लग गया था, वो 3-4 दिन पीरियड जाए तो उनको बहुत ही नक्सल बुरा। और आखिरी में पेशवा साहब ने इसी जगह पे जो हम लोग इधर देख सकते पीछे यहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें ली और उनकी अंतिम सांसें लेने के बाद फिर यहाँ पे उनकी अंतिम क्रिया की गई नदी में। नदी में आज भी अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है, बीच में देखेंगे स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक बना हुआ है। हाँ तो वो वहाँ पर उनको उनकी बॉडी को रख के उनको हिंदू रीति रिवाज में जलाया गया था और जलाने के बाद उनकी जो अस्थियाँ हैं उनको निकाल के फिर यहाँ पे समाधि बनाई सिंधिया परिवार द्वारा।
दोस्तों कल के जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम है उसी के लिए यहाँ पे साफ सफाई हो रही है, और इस साफ सफाई में हमारे हिंदू संस्कृति रक्षण अभियान के अंकित भाई और अन्य लोग भी भिड़ गए सहयोग करने हेतु। तो दोस्तों यह जो मेरी वीडियो थी यहाँ इस यात्रा की, यह पहली वीडियो थी, और दूसरी वीडियो आपको फिर मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कल का जो कार्यक्रम है और साथ में नर्मदा नदी की एक परिक्रमा यात्रा होती है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। एक मंदिर भी यहाँ काफ़ी प्राचीन है उसे बताऊँगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात हो अगली वीडियो में। तो जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं लाइक कमेंट कर दीजिए और शेयर कर देते तो बहुत अच्छी बात हो जाती। अब मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी और जय बाजीराव। सामने वो उनकी समाधि है जिसे छतरी कहा जाता है। यही स्थल है जहाँ पे श्रीमंत पेशवा बाजीराव जी का अंतिम संस्कार किया गया था।